Welcome to Engineer Shahik channel हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मशीन डिजाइन बाय शिगले चैप्टर नंबर थ्री के एग्जांपल 3.3 को डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि फ़िगर 3.6 ए शोज द लोडिंग डायग्राम फॉर अ बीम कंटिल्यूअर एट ए विद अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ़ 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर एक्टिंग ऑन द पोर्शन सेवनटी फाइव ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स लेस दैन और इक्वल टू एम एम एंड अ कंसनट्रटेड काउंटर क्लॉक वॉइस मूवमेंट ऑफ वन किलो न्यूटन मीटर एट एक्स इज इक्वल टू टू फिफ्टी एम एम डेराइव द शेयर फोर्स एंड बैंडिंग मोमेंट रिलेशन एंड दपोर्ट रिएक्शन एम वन एंड आर वन यहाँ पर हमें कहता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कहती है कि हमारे पास जो कि फिगर यहाँ पर थ्री सिक्स में दिया गया है ये हमारे पास एक बीम है ठीक है जिसके ऊपर हमारे पास कुछ रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं एंड कुछ हमारे पास मूवमेंट्स हैं ठीक है एंड एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग रहा है जो एक पोर्शन पर है इस पूरे बीम की एक जस्ट एक पोर्शन पर हमारे पास लग रहा है जो पॉइंट बी से सी तक है ठीक है वो हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसा करें के इसके लिए derive द शेयर फोर्स एंड bending moment रिएक्शन एंड द सपोर्ट रिएक्शन एम वन एंड आर वन कहता है कि आप इसमें जो शेयर फोर्स एंड bending moment जो फोर्सेस लग रही हैं जो हमारे पास इस सपोर्ट ये जो हमारे पास पूरी सपोर्ट है इसमें जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्सेस ये कह रहा है कि आप वो कैलकुलेट करें ठीक है एम वन एंड आर वन को कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है सबसे पहले तो आपको जो हम पिछली एग्जाम्पल थ्री पॉइंट टू में भी की है वी फाइंड दी लोड इंटेंसिटी फंक्शन टू बी लोड इंटेंसिटी फंक्शन हम इस बीम के जरिए फ़ाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं जैसे कि आप इस लोड पर यहाँ पर बीम पर देख सकते हैं आर वन लग रही है यहाँ पर हमारे पास एक मूवमेंट एम वन लग लग रही है ये लोड्स रहे हैं ठीक है ये कंटिन्यूस लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ठीक है सॉरी <coughs> तो ऐसा करेंगे कि हम यहां से इस मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे ठीक है सबसे पहले हमारे पास एम वन अब इन्होंने जो ली हुई है वो हमारे पास जो इस काउंटर क्लाक वाइज डायरेक्शन है वो नेगेटिव है जबकि क्लाक वाइज डायरेक्शन जो है वो क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन है ठीक है तो एम वन की बात की जाए तो यहाँ पर माइनस काउंटर क्लाक वाइज माइनस एम वन एक्स माइनस टू ये कैसे आया जैसा कि मैं आपको टेबल में बता चुका हूँ ये हमारे पास कंसनट्रेटेड मूवमेंट है तो मूवमेंट में हमारे पास यहाँ पर एक्स माइनस टू इस फार्मूले की बदौलत हम यहाँ पर ये मूवमेंट लिख रहे हैं ठीक तो है तो x x माइनस जीरो एक्स यहाँ से यहाँ तक पूरा x है तो x माइनस जीरो तो यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास मोमेंट आम आ जाएगा फिर उसके बाद r1 की बात करें तो r1 भी x माइनस जीरो तो ये यह यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर माइनस वन माइनस वन कैसे मैं आपको बता चुका हूँ कंसनट्रेटेड फोर्स के लिए हमारे पास एक्स माइनस ए माइनस वन के बराबर होता है ठीक है ये हमारे पास पीछे टेबल थ्री वन में गिवन है ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फॉर सेक्शन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब यूनिट ये हमारे पास होता है यूनिट स्टेप यूनिट स्टेप के लिए हमारे पास एक्स माइनस ए एस टू दावर जीरो होता है ठीक है सो so, जिस तरीके से हमारे पास वो हमने फार्मूला देखा टेबल से जरिए वही हम यहाँ पर यहाँ पर ये यह हमारे, हमारे स्टेप के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़ीरो एंड जीरो यानी बी पॉइंट एंड सी पॉइंट के लिए जो हमने लिया है वो यहाँ पर लिया है यानी फोर्सेस हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्री पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट फाइव अब यहाँ पर इस सेक्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो बी पॉइंट पर है वो नेगेटिव डायरेक्शन में यानी अगर मोवमेंट की बात की जाए तो ये यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं यानी काउंटर क्लॉक वाइज की डायरेक्शन में लेकिन पॉइंट सी पर जाएंगे तो वो हमारे पास क्लाक वाइज डायरेक्शन में तो ये माइनस साइन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं देन हमारे पास लास्ट में रह गई मूवमेंट वो भी काउंटर क्लॉक वाइज़ की तरफ है तो माइनस वन एक्स माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव एंड माइनस टू मूवमेंट के लिए मैं आपको बता चुका कि हम माइनस टू लेते हैं अब हमने सिंपल करना क्या है हमने इस पूरी इक्वेशन का जो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है इसका हमने लेना है इंटीग्रेशन क्या लेना है इंटीग्रेशन जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टू है तो माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन आ जाएगा फिर माइनस वन प्लस वन तो जीरो आ जाएगा फिर जीरो प्लस वन तो वन आ जाएगा फिर ज़ीरो प्लस वन तो वन तो ये आपको पता लग रहा होगा कि मैं क्या करूँ बेसिकली इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं प्लस वन के साथ ठीक है तो ये जितनी भी वो थी हमने उसको पावर के साथ ऐड किया तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई ना सिमिलर जब हम मोमेंट की बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की तो हम वंस अगेन जो है हम क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन इसका लेंगे तो जब इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस वन प्लस वन ज़ीरो जीरो प्लस वन 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 प्लस वन टू वन प्लस वन टू एंड माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो ये आ गई हमारे पास बेंडिंग मोमेंट अब हमारे पास वन टू एंड थ्री थ्री इक्वेशन हो गई हैं थ्री इक्वेशन हो गई अब हमने फाइंड क्या करना है आर वन कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ जो है हमने एम वन कैलकुलेट करना है तो आर वन कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर टू लेंगे लेकिन इसमें जो मोमेंट का फैक्टर है हम इसे इग्नोर करेंगे मोमेंट के फैक्टर को छोड़ के बाकी रिमेनिंग हमारे पास जितने फैक्टर हैं उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे आर वन आर वन जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा आर वन इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी ये आप अपनी नोटबुक पर कर सकते हैं आप इस मूवमेंट को फैक्टर को इग्नोर करेंगे एंड बाकी तमाम जितनी वैल्यूज़ गिवन है उससे हम आर वन कैलकुलेट करेंगे नाउ फॉर इक्वेशन नंबर थ्री फ्राम इक्वेशन नंबर थ्री वट वी कैलकुलेट वी विल कैलकुलेट दी बैंडिंग मूवमेंट बैंडिंग मूवमेंट का जो इक्वेशन नंबर थ्री हमने यहाँ पर ये यह लिखी है उसको जब हम यहाँ पर लिखेंगे इससे हम क्या करेंगे बैंडिंग मूवमेंट यानी कि एम वन को कैलकुलेट करेंगे तो एम वन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट के ज़रिए जो है हमने अपना मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्सेस कैलकुलेट कर